रेखा भाई क्या हो रहा है? रेडी हो रहे हैं। कौन केसर रेडी हो रही है? वाह भाई वाह, हां जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। प्लीज दीदी यहां से कर दो, पिन लगा दिया मैंने, हो गया सेट, हो गया। तो कितने प्यार से रेखा साई, कितना प्यार से देखो बालों को संवार रही है। और ये देखो हमारी छुट्टी, ये देखो, ये हमारे मेकअप लगा। मुझे आज सीधे चुठा बजदा नहीं, मेरा नखरा जो दिखी तलवार वर का, दिखी तलवार दी। रेखा भाई आपसे भी बात करनी है मुझे बहुत सारी। जी बोलिए। अभी बड़ी वाली बात करता हूँ आप, okay. आपका ये सफर ये सब एडिट हो जाएगा। ये सब एडिट हो जाएगा। और ये है हमारी आशा ताई, सही करो, रेखा ताई, आशा ताई, रेखा ताई, आशा ताई, दोनों की अब बारी आई, अब बारी दोनों की बारी आई। ये देखो हमारी निशा आई, एरिक्स लगाने ना, क्या हुआ? ये अभी दोनों आर्टिस्ट रेडी हो रही हैं और रेखा ताई और आशा ताई दोनों लगी हुई हैं तैयार करने में, क्योंकि शॉट रेडी है। जब तक ये तैयार पूरी नहीं हो जाएंगी शूट रुकी रहेगी, और इनका काम काफी जरूरी है इनको तैयार करना। राहुल, राहुल जी हमारी हेल्प, टेलीविजन के सामने अपनी सोते हुए भी सुंदर लगती है, लाइक आ जाइए ना, लो कैसे एक बार वापस ट्राई करते हैं। ऑयल का ऑयल लगा दो पहले अपने काम में थोड़ा सा। तू कैंडी बिग बैंड पूरा इस काम में लगा दो, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है बालों में, क्योंकि ऑलरेडी इतना सॉफ्ट, इतना प्यारा सा बाल है, हमें बहुत मेहनत होता है बाल में, बाल करने में इनको मजे भी बहुत आते हैं। बाप रे, आशा ताई कितना काम करती है। देखो जरा शक्ल, देखो ना जी, ये तो पिया मुरी है, तो बड़ी प्यारी, यस बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, मासूम सी है, पर देविका मासूम नहीं है। हाँ, देविका एकदम टपोरी बनी, टपोरी बॉय टाइप है वो, थोड़ा सा अभी उसका कैरेक्टर चेंज हुआ है। सही सही सही, पर बिहाइंड द सीन्स में ऐसी हूँ, देखो कैसी है। ये हमारी बॉसी है, आपको मैंने पहले भी दिखाया था, लेकिन आपने अभी तक वादा पूरा नहीं किया, बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, पता है? पक्का पक्का पक्का, अरे यार मैं भूल गया, वादा पूरा नहीं किया, ये कहा था मैं टाइम दूंगा आधा घंटा निकालूंगा, वो निभाना पड़ेगा। चलो काम कर, वेल दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। आज हमने रेखा कदम जी को पकड़ लिया है, अभी आपने देखा होगा कितने मोहब्बत से ये हमारी हीरोइंस को तैयार कर रही थी, उनके बाल संवार रही थी, तीन तीन लड़कियां रेडी और शूट पर लगा दिया, कमाल है आपका। रेखा जी, ये हमारा परिवार है फिल्मी फिल्मोनिया, मैं हर बार किसी ना किसी इंसान से मिलवाता हूँ, उस गुणी इंसान से मिलवाता हूँ जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं, आप हेयर ड्रेसर हैं, आप एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, इम्पोर्टेंट काम है, अगर हमारी हीरोइंस अच्छी दिखेगी नहीं, उनके बाल खराब दिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये एक महत्वपूर्ण काम करते हैं, अगर ये काम ढंग से ना हो तो शूटिंग रुक सकती है, राइट जी। कितने साल हो गए आपको इस काम में? 10 साल। 10 साल से आप लगातार यही काम कर रही हैं, यानी सुबह आना और रात तक यही रहना और बालों पर सवार, ग्रेट। तो कोई कोर्स किया था आपने? जी, ये मैंने किसी अंडर सिखाई हुआ है,
किसी के पास सीखा जी। अच्छा, तो इससे पहले कोई कोर्स किया था आपने? हमने पर्सनली अपने ब्यूटी पार्लर का किया हुआ था, लेकिन उसका कोई यूज नहीं हुआ यहाँ पे मुझे। अच्छा, ये मेरे को यहाँ पे आके ही सीखना पड़ा है। तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स का फायदा नहीं हुआ जी। ओके, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो ग्राफिक डिजाइनर। हस्बैंड ग्राफिक डिजाइनर, ये हेयर ड्रेसर, पैसा भरपूर आ रहा है भाई। चलिए अच्छी बात है, आना भी चाहिए। आप मेहनत करते हैं तो उसका फल तो मिलना चाहिए जी। एक हेयर ड्रेसर को कम से कम सीरियल में कितना मिल जाता है? सीरियल में तो मिनिमम 1500 तो मिलता ही है वैसे। एक हेयर स्टाइलिस्ट को, एक हेयर ड्रेसर को कम से कम 1500 रुपए मिलता है, यानी कि महीने का 45,000 जी। आपकी यूनियन भी होगी जी? है। तो यूनियन का कार्ड कितने का बनता है? जब मैंने बनाया था 10 साल पहले तो 33,000 का बना था, लेकिन अभी लगभग 1 लाख हुआ। बाप रे, पहले 33,000 का था, अब 1 लाख का कार्ड जी। लेकिन ठीक है, 45,000 आप कमाते हैं तो मतलब कार्ड इतना मिलता है तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और ऑफकोर्स यूनियन सपोर्ट भी करती होगी जी? करती है। तो यूनियन सपोर्ट करती होगी जी। 45,000 रुपए सीरियल से, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं जी जी। पिक्चर है, पिक्चर में भी जा सकते हैं आप, काम कर सकते हो। इवेंट है, शादी है कहीं पे, उस इवेंट पे फैशन शो है, बर्थडे है, कुछ भी जहाँ पे लेडीज को सजना है तो वहाँ पे आपको बुलाया, वहाँ पे आपको बुलाया जाता है। लेकिन वहाँ पे पैसा भी अच्छा मिलता होगा जी जी। तो यानी नॉर्मली अगर आप चाहें तो 45 से 50,000 60,000 का महीना आराम से आप कमा सकते हैं। वेरी गुड यार, ये तो कुछ ऐसा नहीं है कि अच्छा अमाउंट है। और आपने सीखा किसी के पास जी? आपसे कोई सीख कर आगे बढ़ा है कोई? हाँ, बड़े हैं, बड़े हैं। तो यानी आपको बड़ी खुशी होती होगी कि आपके शिष्य आपके आपके मतलब आपसे सीखे हुए लोग आगे बढ़ गए जी, जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई अगर बच्चा सीखना चाहे कोई तो आप उसको हेल्प करेंगी? ग्रेट। अच्छा, इसमें लड़के भी आते हैं? नहीं, आते हैं लड़के। आजकल दोनों को परमिशन मिली है वैसे, मेकअप में लेडीज है और जेंट्स हेयर स्टाइलिस्ट भी कर सकते हैं। बॉम्बे में तो कम है लेकिन साउथ की तरफ ज्यादा है। वाओ, यानी कि आज की डेट में अगर किसी को हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, अगर किसी को हेयर बालों को संवारने का काम करना है तो लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है जी। मेकअप लड़की भी कर सकती है और लड़का भी जी। ये तो कमाल है, पहले नहीं था शायद। नहीं, हाँ, नहीं था। तो ये तो अच्छी बात है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मैं रेखा जी का मेल आईडी नीचे दे दूंगा वीडियो में, आप प्लीज उन्हें मेल करें। अगर किसी बच्चे में जज्बा होगा कुछ काम करने का, अगर इनको लगता है कि वो बच्चा समझदार है, जल्दी पिकअप करेगा, तो वो जरूर उसकी मदद करेंगी, राइट जी। कितने दिन में बच्चा सीख लेता है ये काम? डिपेंड्स करता है वो कितने जैसे पिकअप करेगा उसके ऊपर है। कोई 10 दिन में भी पिकअप करता है, कोई 1 महीना लगाएगा, जैसे वो जैसे पिकअप करेगा। हाँ, सीखने में 1 महीने में हाँ, सकता है और 6 महीने में ले सकता है, 2 साल ले सकता है। तो भैया ये तो आपके ऊपर है, आप कितनी जल्दी सीखते हैं। अगर शूटिंग में खड़े रहे, कान खुला करे, कहीं बाहर जाके बैठे, गप्पे मारने लगे, मोबाइल पे चैटिंग करने लगे, तो सीख नहीं पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर काम सीखना है तो लगन के साथ काम सीखना होगा, और भाई साहब उसके बाद पैसा 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 पैसा। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं 12th हूँ। 12th पास है मराठी मीडियम जी। तो पढ़ाई आपकी आड़े नहीं आई इस काम में? मतलब इसमें पढ़े लिखे लोग भी आते हैं या? हाँ, पढ़े लिखे भी है इसमें, ऐसे जरूरी नहीं कि अनपढ़ गवार कोई आ सके यहाँ पे, आ ही नहीं पाएगा वो। अच्छा, मतलब पढ़ा लिखा तो इंसान होना ही चाहिए। ओके, थोड़ा बहुत तो। लेकिन ऐसा भी तो नहीं ना कि मतलब कोई अगर 10th पास हो 12th पास हो तो उसको काम नहीं मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो ऐसा नहीं कि भाई ग्रेजुएट ही हो तो ही काम मिलेगा अभी। लेकिन हमारे कुछ रूल्स बनाए हैं यूनियन ने कि वो 12th होना ही चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, अभी ऐसे कुछ रूल्स निकाल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अभी रूल्स निकाल रहे हैं। हाँ, ओके, मतलब ये बात समझ लीजिए कि अगर अभी आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप इस काम को बखूबी कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई जितनी करें उतना अच्छा है भाई, क्योंकि आर्टिस्ट जो होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, उनसे आपका कंफर्ट जोन अच्छा हो जाता है।
वो आपको अच्छी तरीके से समझा सकते हैं और आप भी समझ पाएंगे। अगर आप अनपढ़ गवार होंगे उनकी बातें समझ नहीं आएंगी तो कुछ ज्यादा दिक्कत होगी। और आर्टिस्ट से आपका ज्यादा वास्ता पड़ता है ना, तो उनसे आपका तालमेल बैठना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप इतने आर्टिस्ट लोगों के साथ काम किया आपने, तो कोई ऐसा आर्टिस्ट जो सबसे ज्यादा पसंद हो आपको? मेरे को तो सारे आर्टिस्ट मेरे अच्छे ही लगे। वैसे कोई पसंदीदा कोई ऐसा ऐसे नहीं मैं कह सकती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को रीता भादुरी जी हैं, वो बहुत स्वीट है, मेरे को बहुत पसंद करती हूँ उन्हें। रीता जी सुन लो, आपकी फैन नहीं, उन्हें पता है वो मेरी फैन, वो भी मेरे को बहुत पसंद करती है और मैं भी उनको पसंद करती हूँ। मेरे को बहुत प्यारी लगती है वो, बहुत ऐसे शांत। रीता जी मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरे को बहुत प्यार करती है, मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ, जब मिलते हैं वैसे गले मिलते हैं। जी जी काफी सारे आर्टिस्ट हैं, तो मोस्टली कितने आर्टिस्ट को आपको रेडी करना होता है दिन में? तो चार पांच आर्टिस्ट होते हैं हमारे। ओ, चार पांच आर्टिस्ट को रेडी करना ही होता आपको। बेसिकली आपका तरीका क्या होता है, मतलब सुबह से शाम तक का क्या प्रोसीजर है आपका, कैसे आप काम करते हैं? हम लोग जब सेट पे आते हैं मॉर्निंग में, तब मेकअप रूम में हमारा स्टार्टिंग सुबह से 8:30 बजे जब आते हैं सेट पे, तो सुबह से हमारा काम स्टार्ट होता है। पहले सीन में तो पूछना पड़ता है कि कौन है, उस हिसाब से फिर हमें आर्टिस्ट को रेडी करना पड़ता है। मतलब पहले सीन में कौन कौन है तो वैसे हम लोग रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं। वो रेडी हो गया फिर वो सेट पे चला जाता है, उसके बाद फिर हमारी जो मेरे साथ जो मेरी पार्टनर रहेगी वो सेट पे चली जाती है, कभी मैं चली जाती हूँ, तो इस तरह हम लोग का वो काम शुरू हो जाता है। बस सेट पे काम, आपने रेडी करने सेट पे काम, सेट पे भी बहुत काम होते हैं कि बाल कभी कभी फैन चालू होता है, एसी नहीं होती है, पसीना आ जाता है, तो उस वक्त बाल थोड़े बाल इधर उधर भी हो जाते हैं, तो हमें ठीक करना पड़ता है उनको, क्योंकि उनको दिखना है पिक्चर, उनकी मिस टेलीविजन में उनको दिखाना पड़ता है, तो वो नीट क्लीन ही दिखना पड़ता है, साफ सुंदर दिखाई, साफ सुंदर ही दिखना पड़ता है, तो इसलिए आपका काम बढ़ जाता है। और सेट तो हम लोग संभालना ही पड़ता है कैसे भी, मतलब कायदे से देखा है 8:30 बजे सुबह आना और रात 9-10 बजे तक, जब तक शूटिंग चलती तब तक आपको सेट पे खड़े रहना पड़ता है। मेहनत वाला काम, मतलब आसान काम नहीं है। आपको शशक प्रणाम, आप इतना मेहनत करते हैं, आप लोग हम लोगों को सुंदर दिखाते हैं, हर आर्टिस्ट को खूबसूरत दिखाते हैं और कितने मन से काम कर रहे हैं। मैंने देखा आप बड़ी लगन से और बड़ी मोहब्बत से काम कर रहे हैं, इसीलिए शायद आप सब, मतलब इसीलिए आपको सब लोग प्यार करते हैं। और मैंने देखा जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, सब आप सबकी चहेती हैं आप, कोई ऐसा क्या है, ऐसा क्या है ये बताओ? मुझे खुद को पता नहीं है, लेकिन सब लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, कहते ना सबसे अच्छी जिंदगी में एक चीज आपके पास हो ना, आपकी जबान, अगर जबान अच्छी है तो आपको सब लोग सम्मान देंगे, सब प्यार करेंगे। यही मैं आप सबको बोलता हूँ कि आपके पास सबसे बड़ा हथियार है आपकी जबान, अगर आपकी जबान अच्छी होगी सब आपको प्यार करेंगे, सब आपको, सब आपका साथ देंगे। अगर आप कलाकार हो तो भाई आपको कभी भी कड़वा नहीं बोलना है, अच्छा बोलना है, अच्छा बोलोगे ऊपर वाला भी आपका साथ देगा, कड़वा बोलोगे तो भाई नीचे वाले क्या साथ देंगे, कोई साथ ही नहीं देगा, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला, तो हमेशा अच्छा बोलना। देखा जी दो मतलब आपने बोला मेरी पार्टनर, उनका भी काम उतना ही रहता है जितना काम आपका? जी, 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 जी। तो आपकी सैलरी और उनकी सैलरी सेम होती है या अलग होती है सैलरी? डिपेंड्स करता है, मोस्टली तो मेरे साथ जो भी काम करता है मैं जितना लेती हूँ उतना ही उनको पे करती हूँ। ओ अच्छा, कहीं कहीं नहीं होता है कभी, क्योंकि कम काम थोड़ा उनको थोड़ा कम आता है, लेकिन मैं जब भी मेरे साथ जिन्होंने काम किया है मैंने प्रॉपर सबको रखा हुआ है ऐसे काम करने के लिए साथ में। कभी कभी शूटिंग में ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं ना कि एक को रेडी करते हैं दूसरे को उसी वक्त रेडी करना है, तो एट ए टाइम तो हम एक ही को रेडी करते हैं, दूसरे को रेडी नहीं कर पाते, तो जो दूसरा है मेरा पार्टनर वो भी उतना ही कैपेसिटी वाला हो कि वो अच्छी तरह से वो काम कर सके, तो उस तरह से हमें वो काम मैनेज करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर ही हेयर सर्विस रखनी पड़ती है साथ में। इस काम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपको? दिक्कत तो वैसे खास कुछ नहीं आती ना, मतलब दिक्कत एक होती है कभी कभी ना बाल कम होते हैं आर्टिस्ट के, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, कभी कभी ऐसे हो जाता है ना बालों के देख के, अरे ये तो बाल कम है इसमें ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनाऊंगी, फिर भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं।
yes. आपका दिमाग फिर काम आता कि भाई ये तो आर्टिस्ट गंज ही है, इसके तो बाल ही नहीं है, अब इसके बाल कैसे दिखे, सुंदरी कैसे दिखे, वो आपका काम होता है जी। रेट तो ये क्रिएटिव वर्क है, ये हर एक के बस की बात नहीं है, तो यही सीखना होता है। और जो सीख जाता है तो वो वैसे ही रेखा कदम बढ़ के आगे निकलता है। और रेखा भाई 10 साल से लगातार काम कर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी काम करते रहें, अच्छा काम करते रहें और जिंदगी में ऐसे प्यार बिखेरते रहें। कुछ कहना चाहती हैं आप मेरे परिवार से? फिल्मी परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू वेरी मच, उन्होंने मुझे यहाँ बोलने के लिए मौका दिया है इसके लिए। नहीं, बोलने का मौका देखिए, आप इतने प्यारे हैं और सबसे बड़ी बात मैं हर उस इंसान से मिलना चाहता हूँ जो उस इंडस्ट्री में काम करता है, वो स्पॉट बॉय हो, लाइटमैन हो, रनर हो, आप हो, कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी काम छोटा नहीं है। नहीं, एक आर्टिस्ट ही बड़ा नहीं होता यहाँ पे, हर टीम वर्क है, टीम वर्क है, यहाँ टीम वर्क है, तो ये टीम वर्क आपको सबको साथ लेके ही करना पड़ता है, आप यहाँ पे अकेले नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, कभी आपके पति से गुस्सा नहीं होते, सुबह जाती हो शाम तक काम ही करती होती हो? कभी कभी चलिए, लेकिन उस कभी कभी में भी खुशियां हैं क्योंकि आप दोनों काम करते हैं, तो आज आपका परिवार खुश है, क्योंकि मुंबई में कमाना आसान नहीं है, अगर एक इंसान काम करे तो बड़ा मुश्किल है, दोनों को काम करना पड़ता है। हमारे बीच में रितेश साहब आ गई, ये हर वीडियो में आ जाते हैं। आप शक्ल दिखाओ, ये देखो, ये रितेश भाई आ गए, ये पता ही क्यों आए, ये पता करने आया कि देखिए गायब कहा हो गए, सोने आए थे देखो। तो रेखा भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों को अच्छा लगा होगा, आपका जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, जो भी आपने बताया उससे उनको फायदा होगा। और दोस्तों जो भी जिससे भी आप जो बातें सुनते हैं समझते हैं उनको ना सिर्फ सुनो मत, उसको यहाँ तक लेके जाओ, यहाँ तक लेके जाओगे तो कभी शायद कोई दर्पण श्रीवास्तव बन जाए, कोई रेखा कदम बन जाए, कोई रितेश साहब बन जाए, कोई भी इंसान कुछ भी बन सकता है, बशर्ते आप में वो जज्बा हो, काम करने की तरह। चलिए मिलते हैं फिर नए मुद्दे पे, नई सोच के साथ, तब तक के लिए।